दोस्तों नमस्कार। अगर आप भी अपने किचन में डिशवॉशर प्लान करने के बारे में सोच रहे हैं तो आज का वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। आज की वीडियो में डिशवॉशर से रिलेटेड पूरी जानकारी लेकर आए हैं, चाहे वो उसके फायदे हों या नुकसान हो, आपके लिए डिशवॉशर कितना काम आने वाला है, उसकी कॉस्ट क्या आती है, इंडिया में डिशवॉशर कौन कौन से टाइप की अवेलेबल, उनकी क्या साइजेज आती हैं, इस तरह की पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। साथ ही आपको कुछ ऐसे बेस्ट मॉडल्स भी बताऊंगा जो डिशवॉशर आपको इंडिया में बाय करने चाहिए, जो आपके इंडियन कुकिंग यूटेंसिल्स के हिसाब से होते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का पूरा वीडियो डिशवॉशर के ऊपर। सब्सक्राइब कीजिए जीएम फर्नीचर चैनल को मॉड्यूलर किचन पर लेटेस्ट वीडियोस के लिए और कॉन्टेक्ट कीजिए ऑनलाइन किचन डिजाइनिंग सर्विसेज के लिए। तो दोस्तों पहले ही समझ लेते हैं कि डिशवॉशर आखिर होता क्या है। डिशवॉशर दोस्तों जैसे कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन आती है, उसी तरह से बर्तन को धोने के लिए डिशवॉशर मशीन आती है। इसकी मशीन को अपन पहले देख लेते हैं, सब साइड में फोटो में देख पा रहे हो, उसमें अंदर गंदे बर्तन जमाने के लिए इस तरह के अलग अलग रैक्स की सेटिंग रहती है, जहाँ पे हमें बर्तन जमाने रहते हैं। जब हम बर्तन जमा देते हैं उसके बाद में हमें डिटर्जेंट, सॉप, लिक्विड या इसकी टैबलेट आती है, इस तरह के इनपुट्स डालने रहते हैं इसमें, ताकि वो डिटर्जेंट का काम करें और बर्तन को अच्छे से धो पाएँ। हमें एक पानी का कनेक्शन देना रहता है, हल्का सा गर्म पानी होके इस मशीन में काम आता है, वो अंदर ही मशीन में सेटिंग रहता है गर्म पानी करने का। अब मशीन करती क्या है, जब इसको अपन सारा लोड कर देंगे डिशवॉशर के अंदर, सारे बर्तन गंदे बर्तन जमा देंगे और उसके अंदर ये टैबलेट या डिटर्जेंट के जो लिक्विड्स हैं वो डाल देंगे, उसके बाद इसको बंद करके और मोड के ऊपर जब ऑन कर देंगे तो अलग अलग साइकिल्स रहती है 30 मिनट से लेकर के 3 घंटे तक की, जो भी अपन ने मोड सेलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग जो है ये बंद होके इसमें जो गर्म पानी रहता है वो डिटर्जेंट के साथ मिक्स होकर पहले क्लीन करेगा डिटर्जेंट से बर्तनों को। उसमें अलग अलग एक फ़ैन लगा रहता है, जिस फैन से पानी जो है स्पीड से आपके बर्तनों के ऊपर आता है, जिससे कि बर्तन क्लीन हो जाते हैं और बाद में जो है यही बर्तन काफ़ी ज़्यादा हीट अप होके और उसको बर्तनों को ड्राई करने का भी काम कर देता है। तो बेसिकली डिशवॉशर एक ऐसी मशीन है जिसमें आप डालेंगे तो गंदे बर्तन, लेकिन बाद में आपको साफ़ होके, क्लीन होकर, ड्राई होकर आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह की मशीन को डिशवॉशर बोला जाता है। अब हम इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसमें क्या क्या साइजेज आती है वो समझ लेते हैं। दोस्तों डिशवॉशर की जो साइज़ है वो उसकी प्लेट सेटिंग कैपेसिटी से डिसाइड होती है। इंडिया के अंदर जो डिशवॉशर चलते हैं वो 8 प्लेट सेटिंग से लेकर के 16 प्लेट सेटिंग वाले चलते हैं। जो मोस्ट पॉपुलर है वो 12 प्लेट सेटिंग वाला डिशवॉशर रहता है, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। अब प्लेट सेटिंग बेसिकली क्या होता है, तो प्लेट सेटिंग बेसिकली दोस्तों एक प्लेट सेटिंग के अंदर आप एक अपना बड़ी थाली, एक उससे छोटी वाली प्लेट जो अपनी रहती है वो, उसके अलावा कटोरी एक, और उसके अलावा एक कप, एक बड़ा चमचा, 4-5 सर्विंग वाले चम्मच, और उसके अलावा एक आध छोटी वाली चम्मच, इस तरह का एक पूरा सेट जो है आप एक उसके अंदर, और उसके अलावा कप, एक कप हो गया, इस तरह का पूरा आप एक सेट को अपन एक प्लेस सेटिंग बोलते हैं। इस तरह की 12 प्लेस सेटिंग आप एक डिशवॉशर में एक बार में धो सकते हो, उसको 12 प्लेस सेटिंग का डिशवॉशर बोलेंगे, या फिर 8 प्लेस सेटिंग का या 16 प्लेस सेटिंग का, ऐसा बाय करते हैं। तो अपने को अपनी फैमिली साइज के अकॉर्डिंग, अपने कितने मेंबर्स की फैमिली और आपके यहाँ कितने बर्तन होते हैं, उस हिसाब से आपको प्लेस सेटिंग वाला डिशवॉशर डिसाइड करना रहता है। इंडिया में जो 4-5 जनों की फैमिली या 6 जनों की फैमिली के लिए 12 या 14 प्लेस सेटिंग वाला डिशवॉशर इनफ रहता है। तो दोस्तों जो प्लेस सेटिंग है सिर्फ अंदाजे के लिए, बाकी आप सब्जी बनाने वाले या फिर दूध और चाय के बर्तन जो बनाने वाले रहते हैं उनको भी इसके अंदर सेट कर सकते हो। बस इससे हमें 12 प्लेस सेटिंग से आइडिया लग जाता है कि कितनी कैपेसिटी का हमारा डिशवॉशर आएगा। जब आप डिशवॉशर बाय करने जा रहे हो तो ये जरूर देखेंगे कि जो प्लेस सेटिंग है उसके अंदर वो पोर्टेबल हो, आप मतलब छोटी और बड़ी साइज कर सकते हो उसके अंदर, ऐसी पॉसिबिलिटी डिशवॉशर हमें प्रोवाइड कर रहा हो, ताकि हम हमारे जो इंडिया में काफ़ी बड़े बड़े कुकिंग यूटेंसिल्स रहते हैं उनको भी अपने डिशवॉशर में वॉश कर पाएँ। अब इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं डिशवॉशर की क्या क्या साइजेज आती है इंडिया के अंदर, उसमें टाइप क्या आते हैं और पॉपुलर कौन कौन से हैं। दोस्तों अपन टाइप समझ लेते हैं। इंडिया में बेसिकली 3 टाइप के डिशवॉशर, यानी कि बिल्ट इन, फ्री स्टैंडिंग और काउंटर टॉप, 3 तरह के ज़्यादा पॉपुलर हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो फ्री स्टैंडिंग वाला है। पहले अपन जो है बिल्ट इन समझ लेते हैं। जैसे कि आप साइड में फोटो में देख पा रहे हो, बिल्ट इन डिशवॉशर उसको बोलते हैं जो कि आपके इंटरनल जो मॉड्यूलर फर्नीचर के कैबिनेट्स बनते हैं उसके अंदर कैबिनेट की तरह ही फिट हो जाता है, मतलब ऊपर से भी पैनल लग जाता है और वो बिल्ट इन हो जाता है, मतलब वो इनसाइड आ जाता है बॉक्स के, कैबिनेट के, ऐसे डिशवॉशर को बिल्ट इन बोला जाता है। ऑब्वियसली ऐसे जो डिशवॉशर रहते हैं उसका आपको फिक्स स्पेस अपने किचन में पहले प्लान करना रहता है, और जो बिल्ट इन डिशवॉशर रहते हैं उसकी प्लम्बिंग की फिटिंग और लाइट की फिटिंग भी आपको पहले ही करानी रहती है, क्योंकि वो बाद में पॉसिबल नहीं है, आपको बिल्ट इन के करना है अगर मॉडल तो वो पहले ही सेलेक्ट करना रहेगा। अब जो दूसरा रहता है दोस्तों वो होता है फ्री स्टैंडिंग या पोर्टेबल, जिसको हम बोलते हैं। जो फ्री स्टैंडिंग डिशवॉशर, ऐसा नाम से समझ आ रहा है, इसको आप कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो, इसमें मूवमेंट भी कर सकते हो, इसको मूव भी कर सकते हो आप, और इसके अंदर जनरली जो आपको एक सिंक, मतलब अपना पानी का इनलेट का कनेक्शन और एक ड्रेनेज, ये 2 चीज़ें चाहिए। इसके अलावा आप इसको कहीं पर भी रख के काम में ले सकते हो और वहाँ से उसको मूव भी कर सकते हो। इस तरह के जो डिशवॉशर है उसको फ्री स्टैंडिंग बोला जाता है, जो ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में,
फ्री स्टैंडिंग वाले डिशवॉशर ही पॉपुलर है और उसमें भी 12 प्लस सीटिंग 14 प्लस सीटिंग ज़्यादा पॉपुलर है। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप का आता है वो काउंटर टॉप डिशवॉशर आता है। अगर आपकी दो ही जनों की फैमिली है, हस्बैंड वाइफ रहते हैं या फिर आप अकेले रहते हैं, तो ऐसा डिशवॉशर काफ़ी काम आता है क्योंकि काफ़ी पोर्टेबल रहता है। 6-8 प्लस सेटिंग इसके अंदर आती है और इस तरह के जो डिशवॉशर रहते हैं उसको आप अपने काउंटर टॉप के ऊपर भी प्लेस कर सकते हो, मतलब एक हाइट के ऊपर भी प्लेस कर सकते हो। इसमें साइज भी ज़्यादा नहीं काम आती, स्पेस भी ज़्यादा काम नहीं आता, तो ये वाले जो है छोटे डिशवॉशर आते हैं। दोस्तों हमने देख लिया टाइप्स कौन से हैं, हमने देख लिया कि इसमें प्लेस सेटिंग का क्या मतलब। अब देख लेते हैं इसकी कॉस्ट, यानी कि पहले अपन बात करेंगे रनिंग कॉस्ट के बारे में कि एक डिशवॉशर को रन करने के लिए कितना खर्चा आता है, ताकि आप एक आइडिया लगा पाओ कि आपके घर में अगर छोटे सिटी में, मीडियम सिटी में आप रहते हो, वहाँ मेट्स वगैरह रहती है, बड़े सिटी में मेट्स रहती है, तो वो ज़्यादा आपको कॉस्ट इफेक्टिव है या फिर डिशवॉशर लगाना कॉस्ट इफेक्टिव है। मेड वगैरह की कॉस्टिंग आपको बताया, उसके बारे में अपन डिटेल में बात नहीं करेंगे, अपन डिशवॉशर के ऊपर वीडियो बना रहे हैं तो डिशवॉशर की कॉस्ट के बारे में बात करेंगे, रनिंग कॉस्ट के बारे में। तो दोस्तों एक जो डिशवॉशर है वो पर्टिकुलरली आधे घंटे से लेकर के 3 घंटे तक की उसकी साइकिल रहती है, डिशवॉशर साइकिल, और लगभग 1 से 1.5 यूनिट पर घंटा ये कंज्यूम करता है। तो उस हिसाब से अगर अपन देखें तो लगभग 20 से 25 रुपये का आपका इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट रहता है पर डिशवॉशर साइकिल। उसके बाद में जो इसमें कंज्यूमेबल्स काम आते हैं, यानी कि डिटर्जेंट पाउडर काम आता है या फिर आजकल जो टैबलेट्स आने लग गई जो कि ऑल बिल्ट इन रहती है, सॉल्ट वगैरह सब मिला रहता है, वो काम आती है, तो उसकी कॉस्ट लगभग 20 से 25 रुपये 30 रुपये आपकी पर डिशवॉशर साइकिल वो काम आती है। तो 20 रुपये हो गया इलेक्ट्रिसिटी का और 20 से 25 रुपये हो गया, यानी 45 रुपीज़ करीबन अपना हो गया डिशवॉशर का रनिंग कॉस्ट। इसके अलावा 20 to 25 लीटर आपका वाटर काम आता है, तो वाटर की कॉस्टिंग आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो जो भी आपके यहाँ बिलिंग सिस्टम है वाटर का। बाकी अपन यहाँ पे अपन 1 से 2 रुपये इंक्लूड कर लेते हैं, तो 47 रुपीज़ के आसपास आपका डिशवॉशर का एक बार चलाने का खर्चा हो गया। इसके अलावा दोस्तों अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे मंथली एक्सपेंस है, तो 47 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे अपन, तो लगभग बनता है वो 1200-1300 रुपये के आसपास आप मान के चलो लगभग कॉस्ट आपकी आ रही है डिशवॉशर को रन करने की। प्लस अगर आपका डिशवॉशर जो है वो 40 to 42,000 का आपने बाय किया है, तो उसको डिवाइड करेंगे 7 साल अगर एक लाइफ माने और 12 महीने से डिवाइड करें, तो लगभग 500 रुपीज़ पर मंथ आपकी जो है डिशवॉशर की मेंटेनेंस या फिर डिशवॉशर की लाइफ कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट है। तो अगर अपन इसको टोटल करेंगे तो लगभग 1800 से 1700 रुपये आपका जो है डिशवॉशर को मेंटेन करने का और चलाने का खर्चा है। तो ये आपका एक एक्सपेंस हो गया 1700 से 1800 रुपये पर मंथ का। अब इसको आप कंपेयर कर लीजिए आपकी इजीनेस से, आपको कितना उससे फ़ायदा हो रहा है या क्या आपके यहाँ मेड की कॉस्टिंग है, तो आप एक निकाल सकते हैं, जुडिशियल डिसीजन ले सकते हैं कि आपके यहाँ पे डिशवॉशर लेना बेनिफिशियल है या नहीं है। अब इसके बाद अपन आगे कुछ और इसके प्रोज एंड कॉन्स को डिसाइड कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या प्रोज हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, ताकि आप और बेटर डिसाइड कर पाओ कि डिशवॉशर लेना चाहिए लेना चाहिए। उसके बाद मैं आपको कुछ 5 ऐसे मॉडल्स भी दूंगा जो डिशवॉशर के बेस्ट इंडिया के अंदर इंडियन कुकिंग वेयर के हिसाब से हैं। दोस्तों हम कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनको डिपेंड जिन पर डिपेंड करेगा कि आपको डिशवॉशर बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस अपन देखेंगे। पहले अपन एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों डिशवॉशर को यूज़ करके आप अपना काफ़ी समय बचा सकते हो, क्योंकि आप अपने समय के अकॉर्डिंग इस मशीन को एक बार लगा दिया उसके बाद आपका कोई काम नहीं, आप दूसरा काम कर सकते हो, उतने जो है आपके जो बर्तन है वो अपने आप धुलकर सूखकर आपको मिल जाएंगे। तो पहला चीज़ हो गया टाइम सेविंग। दूसरी चीज़ दोस्तों वाटर सेविंग भी है। जनरली जो मैंने ऐसा बताया था आपको डिश साइकिल में जो है 20 से 25 लीटर पानी काम आता है, और जनरली अगर मेट से अपन बर्तन धुलाते हैं तो वो पानी काफ़ी ज़्यादा काम आता है, तो आप पानी की बचत कर सकते हो डिशवॉशर को यूज़ करके। तीसरा दोस्तों ये है कि आपका जो फिजिकल वर्क है वो आप अवॉइड कर सकते हो डिशवॉशर को यूज़ करके। मतलब अगर आप ऑलरेडी वर्किंग है, आप दोनों जॉब करते हैं तो आपके पास टाइम नहीं रहता उतना, या फिर आप पहले थक जाते हैं काम से आके, तो डिशवॉशर जो है आपको हेल्पफुल रहेगा, आपको उसके अंदर एक्स्ट्रा फिजिकल वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा दोस्तों आपका जो किचन है वो डिशवॉशर लगने से काफ़ी इम्प्रेसिव लगता है, यानी कि आपके यहाँ कोई आएगा तो वो देख के इम्प्रेस होगा कि इनके यहाँ डिशवॉशर यानी बर्तन धोने की मशीन लगी हुई है। तो एक जो एक होता है कि आपका जो किचन का लुक है, किचन का जो ब्यूटी है और उसकी जो स्मार्टनेस है वो दिखेगी किचन में डिशवॉशर लगने से, तो एक बेनिफिट ये भी है अपने को। इसके अलावा जो है डिशवॉशर को यूज़ करना काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और ईजी है, तो आपकी काफ़ी मदद ये कर देता है। और इसके अंदर जो है आपका डिशवॉशर जनरली ऐसा भी माना जाता है कि जो हाथ से बर्तन धुलते हैं उससे ज़्यादा हाइजीनिक और ज़्यादा बेटर रहता है, यानी उसमें बैक्टीरिया वगैरह ज़्यादा अच्छे से किल हो पाते हैं, तो आपको डिशवॉशर से वॉशिंग काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की मिलती है, अच्छी मिलती है। अब डिशवॉशर के कुछ कॉन्स भी हैं, कुछ नुकसान भी, उनको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आप जो है उसको भी देख के डिसाइड कर पाओ कि आपके लिए डिशवॉशर लेना फ्रूटफुल है या नहीं है।
दोस्तों कॉन्स की बात करें तो सबसे पहली बात कॉस्ट की आएगी। जैसा मैंने आपको बताया था लगभग 1750 रुपये करीबन आपका खर्चा निकला था मंथली डिशवॉशर को रन करने का और डिशवॉशर को मेंटेन करने का, तो वो अगर आप बियर कर सकते हैं तो ही डिशवॉशर के बारे में प्लान करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। उसके बाद में जो दोस्तों दूसरा है वो आपका एनर्जी कंजम्पशन है, ऑब्वियसली जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है डिशवॉशर या बहुत ज़्यादा बड़े बड़े अप्लायंसेस, तो वो एक फैक्टर है। अगर आप उस सेक्टर में अपना माइंडसेट रखते हैं और एनवायरनमेंट को कम नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो डिशवॉशर को अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जनरली अभी हम एक कोई अप्लायंस बढ़ाते हैं तो उसकी रिपेयर मेंटेनेंस की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो ये भी आपको देख लेना चाहिए कि आप उसके लिए तैयार है या नहीं है, क्योंकि कई बार हमें रहता है कि यार एक नई मशीन और लिया उसके लिए भी फिर हमें बार बार रिपेयर मेंटेनेंस या फिर बुलाना पड़ सकता है, तो कभी कभी जो है ब्रेकडाउन तो हर एक मशीन में होता ही है, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। दोस्तों जो चौथी चीज़ है वो ये कि डिशवॉशर आपको लेजी बना सकता है। कई बार ऐसा होता है हमारे पास वैसे भी कोई काम नहीं, हम डिशवॉशर लेके आ गए तो हमारा अब जो एक नॉर्मल रूटीन वर्क था वो भी हमारा चला गया, तो कई बार उससे जो है आपको लेजीनेस हो सकती है, तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ये भी एक सेगमेंट है, मतलब सोशल फैक्टर है ये कि आप डिशवॉशर अगर बाय करें तो इस फैक्टर को भी ध्यान रखें कि आपके आपका जो है काम रूटीन जो है वो डिस्टर्ब ना हो उसकी वजह से। उसके अलावा जो है दोस्तों हैंड वॉश करना जो है डिशवॉशर को काफ़ी फास्ट होता है, क्योंकि इसमें जो साइकिल रहती है मैंने बताया आधे घंटे से लेकर 2.5 से 3 घंटे की रहती है, आप वही काम हैंड वॉश करेंगे तो काफ़ी जल्दी अपने काम को फिनिश कर पाएंगे, तो ये भी उसका एक मेजर अपना बेनिफिट है। उसके बाद में दोस्तों ये होता है कि हम डिशवॉशर यूज़ करें तो काफ़ी सारे ऐसे इंडियन कुकवेयर्स होते हैं जिसको डिशवॉशर में नहीं रखा जा सकता, स्पेशली जो एल्यूमिनियम के बने हुए बर्तन रहते हैं उनको डिशवॉशर में क्लीन करना रिकमेंडेड नहीं रहता कई सारे जो डिशवॉशर के मॉडल्स हैं उनके द्वारा, और इवन हर एक डिशवॉशर में आप सब चीज़ें नहीं धो सकते। साथ ही दोस्तों आपको एक प्री क्लीनिंग जो है यानी कि जो आपकी मान लो फूड पार्टिकल्स हैं या फिर जो जो कोई बड़ा अगर ऐसा मतलब फूड रह गया है तो उसको आपको पहले डिशवॉशर में रखने से पहले क्लीन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको डिशवॉशर में रखना पड़ेगा, तो ये भी एक इसका लिमिटेशन है, तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों हमने देखा कि क्या प्रोज हैं और क्या कौन से हैं, अब इनको देख करके इन फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए आप डिसाइड कर सकते हो कि डिशवॉशर कौन सा लेना है, मतलब डिशवॉशर लेना है या नहीं लेना है। अब बात कर लेते हैं कि डिशवॉशर और मॉड्यूलर किचन में एक जो थोड़ी सी प्रॉब्लम है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जनरली जो इंडिया में सबसे पॉपुलर डिशवॉशर हैं वो फ्री स्टैंडिंग और बिल्ट इन वाले हैं, उनकी जो साइज रहती है वो वाइड में तो 24 आती है लेकिन हाइट में 34.5 इंचेस तक आती है, तो 840 सेंटीमीटर जो है लगभग इसका 840 mm जो है इसका लगभग स्टैंडर्ड साइज रहता है अपने डिशवॉशर का। अब ऐसे में प्रॉब्लम क्या आती है, इंडिया में जो काउंटर टॉप रहते हैं काउंटर की जो स्लैब रहती है फ्लोर से उसकी हाइट 33 इंचेस स्टैंडर्ड रहती है, क्योंकि इंडिया में लोगों की हाइट कम रहती है 5 फीट 5.5 फीट 5.5 फीट एवरेज हाइट है हमारे यहाँ पे, तो ऐसे में काउंटर स्लैब 33 का लगता है। ऐसे में प्रॉब्लम ये आती है कि आपका जो डिशवॉशर है वो काउंटर टॉप के नीचे फिट नहीं हो पाता, या फिर अगर मान लीजिए आपको काउंटर टॉप के नीचे डिशवॉशर को फिट करना है तो आपको वहाँ पे स्टेप काउंटर बनाना पड़ेगा, जैसा कि आप मेरे साइड में फोटो में देख पा रहे हो उस तरह का स्टेप काउंटर लेना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल वर्किंग के लिए तो आपको 33 से ज़्यादा काउंटर नहीं चाहिए, लेकिन डिशवॉशर को काउंटर के नीचे फिट करने के लिए 36 इंच का काउंटर हमें जनरली बनाना पड़ता है। तो इसका सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा सॉल्यूशन हम ये देते हैं कि आप जब भी डिशवॉशर अपने किचन में प्लान कर रहे हैं तो उसको एंड्स में प्लान करें, यानी कि किसी न किसी वॉल के पास प्लान करें। उससे क्या होगा कि अगर आपको स्टेप काउंटर भी बनाना पड़ रहा है तो भी वो जगह यूज़ हो पाएगी, इन बिटवीन अगर आप प्लान कर देंगे कहीं पे भी सेंटर में किसी स्लैब के सेंटर में तो वो अच्छा नहीं लगेगा, बीच में से काउंटर ऊंचा है और फिर वापस से नीचा हो रहा है तो वो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए एंड में प्लान करें और सिंक के पास ही प्लान करें ताकि ड्रेनेज और आपको इनलेट देने में दिक्कत नहीं आए। तो ये हमारी प्रो टिप थी छोटी सी, अगर आप मॉड्यूलर किचन प्लान कर रहे हैं और डिशवॉशर साथ में प्लान कर रहे हैं तो प्री प्लानिंग कर लें, एंड में प्लान करें। इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें हम हमारी ऑनलाइन डिजाइनिंग सर्विसेज में भी ध्यान रखते हैं डिज़ाइन करते टाइम पे, तो अगर आप उनको ऑप्ट करना चाहते हैं उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर हमारा आपको नजर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में हमने इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो दोस्तों हमने सब बात कर ली कि क्या मॉड्यूलर किचन में ध्यान रखने वाली बातें हैं, प्रोज क्या है, कौनस क्या है, टाइप्स क्या है ना, मेरे को लग रहा है ओवरऑल हमने सारा आइडिया ले लिया। अब ये कि डिशवॉशर इंडिया के हिसाब से कौन से बेस्ट हैं, सबसे मेन क्वेश्चन आता है कौन से डिशवॉशर ऐसे हैं जो इंडिया के हिसाब से बेस्ट होने वाला है। तो दोस्तों इसके लिए हमने काफ़ी रिसर्च करी और ऐसे कुछ 5 से 6 मॉडल्स हमने निकाले हैं जो कि इंडियन कुकिंग हैबिट्स के हिसाब से इंडियन में जो कुकवेयर काम आते हैं, यानी कि जो आपके यहाँ कढ़ाई काम आती है, जो दूध के बर्तन काम आते हैं, भगोने काम आते हैं या जो भी यूटेंसिल्स काम आते हैं, उसके हिसाब से कौन से ऐसे डिशवॉशर हैं सबसे ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, सबसे अच्छे डिशवॉशर्स हैं। तो उसकी जो हमने लिस्ट बनाई है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पे उसका बाइंग लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ जाके उसके बारे में पढ़ सकते हैं, उसके रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं और उसकी प्राइसेस वगैरह भी जान सकते हैं। जो प्राइस रेंज है दोस्तों 40,000 से लेकर 50,000 के बीच में
जो प्राइस रेंज है वो हमने रखा है, और लगभग 12 प्लस सेटिंग के सारे हमारे डिशवॉशर हमने वहाँ पे प्लान करें, क्योंकि जनरली जो इंडिया की फैमिली साइज रहती है वो 4 से लेकर 6 जनों की रहती है, जहाँ पे 12 प्लस सेटिंग वाला डिशवॉशर ही सबसे बढ़िया माना जाता है। आप 14 ले सकते हो लेकिन 12 सबसे बढ़िया माना जाता है। तो दोस्तों इस तरह की जो लिस्ट है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप अपने मॉडल्स डिसाइड कर सकते हो अगर डिशवॉशर लेने के बारे में प्लान कर रहे हो तो। आई होप आपको वीडियो सारा समझ आ गया होगा, डिशवॉशर की बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई थी 34.5 का हाइट रहता है डिशवॉशर का तो वो काउंटर के नीचे नहीं आ पाता, अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा मॉडल आता है जो कि इससे कम हाइट का है, यानी कि 30-31 इंचेस का है और अच्छी कैपेसिटी के साथ में है, यानी कि 12 प्ले सेटिंग 14 प्ले सेटिंग में है, तो हमें जरूर बताइएगा कमेंट के थ्रू कि ऐसा कोई मॉडल अवेलेबल है, क्योंकि मेरी इन्फॉर्मेशन में ऐसा मॉडल मेरे को मिला नहीं है। अगर ऐसा कोई मॉडल मिलता है तो आप जरूर बताइएगा। आगे भी इसी तरह से चैनल को प्यार देते रहिए। हमारे जो चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं वो 1 लाख क्रॉस कर चुके हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह से चैनल को प्यार देते रहिए, दिखते रहिए GM फर्नीचर। थैंक यू सो मच।